वेल हेलो, ऐसे रिज्यूमेज मैं और आप अगले 2-3 मिनट में साथ में बनाने वाले हैं। हाय, माय नेम इज़ उत्कर्ष एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड थ्रू आउट माई एंटायर करियर आई हैव मेड सो मेनी मिस्टेक्स रिज्यूमेज बनाते समय, इंटरव्यूज देते समय। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेकिंग इट श्योर कि अब वो मिस्टेक्स आप ना करो। लेट्स मेक परफेक्ट रिज्यूमेज साथ में। देखो, ऑनलाइन रिज्यूमे बनाने के लिए जब गूगल पे लिखोगे ऑनलाइन रिज्यूमे तो जेटी रिज्यूमे, नोवो रिज्यूमे, बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। उनमें अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप एक बार को बना तो लोगे, फिर वो PDF डाउनलोड नहीं कर पाओगे, उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो टाइम और एफर्ट सही जगह लगाते हैं। canva.com वेबसाइट, ऐप सब अवेलेबल है। सेम प्रोसेस यूज़ करके आप फ़ोन पे भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो। तो कैनवा पे आ जाओ, जो भी आपके पास डिवाइस है उसको यूज़ करके। कैनवा पे आपको सिंपली सर्च कर देना है रिज्यूमे, और जैसे ही आप रिज्यूम सर्च करोगे आप देखोगे कि ऑप्शंस में बहुत सारे बने हुए टैम्पलेट्स आपको दिखेंगे। इसमें से आप जो सा चाहो वो चूज़ कर सकते हो अपने लिए, उसको एडिट करने के लिए। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। लेट्स से सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि भाई हमें रिज्यूमे में फ़ोटो लगानी है या बिना फ़ोटो वाला रिज्यूमे बनाना है, कुछ इस तरह का दिखने वाला या इस तरह का दिखने वाला। इसका जो जवाब है ना वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। फ़ोटो अगर मैं आपको स्टैंडर्ड जवाब दूं तो आपको नहीं लगाना चाहिए। रीज़न कि उससे पर्सनल बायस इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी रिज्यूमे पर अपनी फ़ोटो लगा करके लेट से ऐसे दे रहे हो तो जो सामने वाला पर्सन है ना वो वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, उसकी जो जजमेंट है वो आपसे क्लियर नहीं कर सकता। उसको आपकी फ़ोटो देख करके जैसा भी फील हो रहा है वो उसके डिसीजन को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। मे बी हो सकता है रेसिस्ट हो, या हो सकता है सेक्सिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, और उसका इफ़ेक्ट आपके रिज्यूमे पर पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड जवाब है नहीं। फिर भी अगर किसी को फ़ोटो लगानी ही है तो लगा सकते हो, बट देन मेक श्योर कि एक भी चीज़, मतलब जो फ़र्क 19 से 20 का भी होता है ना वो भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज चूज़ द विदाउट इमेज वाला फॉर्मेट। ठीक है, मैं इसमें फिर आप दोनों बता देता हूँ। जैसे लेट्स से अगर मान लो आपको इमेज वाला ही आपको चूज़ करना है और आपने ये वाला मान करके चल रहे हो, कस्टमाइज दिस टैम्पलेट करोगे, ये टैम्पलेट आपके सामने आ जाना है। ठीक है, इसको आप अपना अकॉर्डिंगली यहाँ से जूम आउट कर लो। फिर आप इसमें देखोगे जूम इन करने के बाद अगर आपको इमेज लगानी है, यहाँ से आप इस इमेज को डिलीट कर सकते हो, और इसके बाद फ्रेम बने रहने देना वरना फालतू में कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अपलोड्स पे जा करके अपलोड कर देना जो भी फाइल तुम्हें अपलोड करनी है, और फिर जो भी इमेज है वो यहाँ पे अपने आप ड्रैग करके लगा लेना। ठीक है, अदर देन दैट इसके आसपास अगर आप देखोगे नेम है, ऑब्वियसली जैसे चेंज कर सकते हो, नीचे स्टूडेंट या जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि किसके लिए पर्टिकुलर रिज्यूमे आप बनाने जा रहे हो। जितनी भी चीज़ें प्रोफाइल हैं, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर स्किल्स हैं, सब अपने अकॉर्डिंग लिख देने का, उसमें कोई इशू नहीं है। जब रिज्यूमे की बात की जाए तो मैक्स टू मैक्स 2 पेज तक लेकर के जाना, और वो भी तब जब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों, अदरवाइज एक पेज में ही समअप कर देना। अब लेट्स से अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऐप के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सारी चीज़ें शुड बी ओनली रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग, नथिंग इज नीडेड इन टू दैट रिज्यूमे। इतना सब करने के बाद लेट्स से अगर आपके पास कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप लिखना चाहते हो या जिन्हें आप मेंशन करना चाहते हो, ऐड पेज में जाओ, पेज एक ऐड कर लो, वापस से डिज़ाइन पे जाओ, देखो कि दूसरा पेज तुम्हें कैसा लगाना है। ठीक है, अब कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमने पहला पेज लगाया है ऑब्वियसली उससे मिलता जुलता दूसरा पेज होना चाहिए। तो जब भी ऐसे सिचुएशन आए ना तो उसको अगर आप जूम आउट करके देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है कि हमें थीम से आउट नहीं होना है, और जो कलर कोडिंग है वो भी मेंटेन करके रखनी है सेकंड पेज के लिए भी। तो जो बेस्ट चीज़ है आप क्या कर सकते हो सेकंड पेज में, जैसे कि आपकी फ़ोटो की कोई नीड नहीं है, फ़ोटो सिंपली डिलीट कर दो, फ्रेम की कोई नीड नहीं है, फ्रेम भी डिलीट कर दो, इस नेम की कोई नीड नहीं है, ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, और जो पीछे वाला बॉर्डर है ये भी डिलीट कर दो। अब ये जो वैकेंट एरिया है यहाँ पे अपनी डिटेल्स आप लिख सकते हो, जितनी भी डिटेल्स हैं इन सब को आप यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे भी करना है उस पूरे एरिया को फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अब दोनों पेज अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहे हैं, और एक प्रोफेशनल लुक यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। ऐसे ही अगर आपको जो भी रिज्यूमेज बनाने हैं, डिज़ाइंस आपके सामने हैं, ये बनाना है, अगर आप इसको भी जूम आउट करके देख लो, जितने भी रिज्यूमेज बनाने हैं, जितने भी डिज़ाइंस बनाने हैं, जैसे भी बनाने हैं, यहाँ से पिक करके वैसे बना सकते हो। जब बात आएगी सेव करने की या फिर शेयर करने की, ऊपर यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना, डाउनलोड पर जाना। अभी यहाँ पे तुम्हें चूज़ करना है कि अगर तो इमेज फॉर्मेट मांगा गया, वैसे नहीं मांगा जाता कहीं पर, लेट से अगर आप पोस्ट ही करना चाहते हो कहीं पर लिंक्डइन पे या कहीं पर भी, तो यहाँ PNG वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज PDF प्रिंट वाला वर्जन यूज़ करना, डॉक्यूमेंट वाले की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट वाले में ज़्यादा बेहतर कलर्स और ज़्यादा अच्छे वर्जन्स आते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि आपका रिज्यूमे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और हो गया डाउनलोड।
जहाँ भी आपको सेव करना है सेव कर लो, और जिसके साथ भी शेयर करना है शेयर कर दो। सो या ऐसे रिज्यूमेज आप बनाओ और शेयर कर देना अगर किसी और को भी नीड है, और सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द करियर रिलेटेड वीडियोज़ इन दिस चैनल।